अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। ये देखें जी, आज मैं कप्तान जी के पास मौजूद हूँ और यहाँ पे आज हमारे दरमियान गोगी शाह साहब मौजूद हैं। अस्सलामुअलैकुम शाह जी, ये वसीम भाई हैं जी। कैसे हैं वसीम भाई? कप्तान जी अस्सलामुअलैकुम। रेस्ट कर रहे हैं अब कप्तान जी, थक गए हैं काफ़ी। अच्छा, चलें आज आप रेस्ट करें, आज हम शाह जी को थोड़ा तंग करेंगे। अच्छा, कुछ दोस्त ना, एक दो भाइयों ने मुझे कमेंट में भी पूछा था और जिनके पास मेरा पर्सनल नंबर है, उन्होंने इनबॉक्स में भी पूछा था कि कबूतरों की संभाल के ऊपर बताएं हमें, कबूतरों की संभाल किस तरह होती है। जितना कि इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी मैंने बता दिया था। आज शाह जी सामने बैठे हुए, आज शाह जी से पूछते हैं, शाह जी आप हमें बताएं कि ये जो कबूतर जो उड़ के आते हैं, जिनकी हालत ख़राब होती है, आगे बैठते साथ ही पोटे के बल गिर जाते हैं, इन कबूतरों की संभाल किस तरह होती है कि ये बच जाएं? जब जेठ आड़ की गर्मी होती है जी जी, उसमें कबूतर अक्सर औकात इस तरह होता है, ठीक है, एक दफा जाल पे आता है तो पर छोड़ के ऐसे ही आ जाता है। उसका ये है कि आपने जब वो आया जी जी, दुनिया इधर को इधर हो जाए उसको फौरन पानी नहीं पिलाना, ठीक हो गया। अच्छा, बिल्कुल भी जाके उसको ठंडी जगह पे नहीं लेके जाना कि आप पंखे के नीचे या एसी, ठीक है ठीक है, फिर भी वो मर जाएगा। अच्छा अच्छा, उसको आप आराम से छोड़ें, उसको देखें, कोशिश करें कि थोड़ी थोड़ी देर उसको ना तंग करते रहे, छेड़ते रहे, बिल्कुल मतलब अपने हाल पे ना छोड़े उसे। हाँ। बस आपने यूं ऐसे ये लेना है, अपने हाथ लेना, इसमें थोड़ा सा पानी इसमें डालना, ऐसे करके चोंच लगाएंगे वो थोड़ा सा पिएगा, उसको हिला लेना, क्योंकि जब कबूतर उड़ के आता है ना उसका ये हाल होता है ना, उसका दिल ना बहुत ज़्यादा धड़क रहा होता है, हाँ जी, तेज चल रहा होता है, जब आप उसको थोड़ा सा ज़्यादा पानी पिलाएंगे ना वो दिल पे लग जाएगा, हाँ जी, और वो मर जाएगा। अच्छा, मैं ये भी पूछना चाह रहा था आपसे, जिसकी हालत ज़ार थोड़ी ख़राब हो जाए, जिसकी हालत ज़ार थोड़ी ख़राब हो जाती है, मतलब जो आगे बैठा है, जो मतलब उठ नहीं रहा, एक तो ये है ना कि जिसको थोड़ा थोड़ा पानी दिया वो खुद पानी मांग रहा है, चल फिर रहा है, उसके बाद ठीक है, सबसे ज़्यादा जब पानी हजम कर लिया ना थोड़ा सा, आपने दही कुंडे वाले लेना पानी। अच्छा, कुंडे वाला, ठीक है, स्टील के उसका वाला, कोई ऐसा दोस्त हो जहाँ आपकी नजरों में कुंडा, मिट्टी के बर्तन वाला, बर्तन के, ठीक है, उसको आपने एक कतरा भी उसमें दही नहीं होना चाहिए, पानी नथार लें उसका, पानी बिल्कुल पानी होना चाहिए, ठीक है, उस पानी को कम से कम आपने 5-7-8 cc, ठीक है, उसको वो पानी दे दें, ठीक हो गया, ठीक हो, उसको सुबह उठ के फिर वो पानी देना, दाना नहीं देना रात को, अगर शाम को अभी मैंने पकड़ा कबूतर तो मैंने उसको सुबह तक दाना नहीं देना, ठीक हो गया, दाना देंगे वो मर जाएगा। अच्छा, अगर आपने बड़ा भी करना है ना उसको तो थोड़ा सी आपने ना रोटी उसके मुँह में डालनी है, बाजरा या सब दाना उसके पास भी नहीं लेके जाना, हम ये मेरे तो एक्सपीरियंस में है ना, मर गया था वो नहीं लेके जाना, ठीक हो गया, आपने रोटी लेनी है, जरा सी उसकी गोली बनानी है, अगर वो नहीं खा रहा उसके मुंह में डाल के ना थोड़ा सा पानी पिला देना, ठीक हो गया, सुबह आप देखेंगे कि वो खुद भी, सुबह आप उठते हैं जानों के वक्त फजर के टाइम, ठीक है, देखिए यार वो पानी मांग रहा है उसको पानी दे, ठीक हो गया, अगर वो उस टाइम भी दाना मांग रहा है तो वो रोटी डालनी है, मैं दो तीन, मेरे ख्याल से 2 दिन तक तकरीबन अगर नरम गजा दें, नहीं 2 दिन नहीं, रोटी डालें आप, रोटी देने के बाद रोटी है थोड़ी सी, ये नहीं कि उसको जी भर के थोड़ी रोटी डालने में हजम हो गई है, फिर आप उसको थोड़ी सी खुराक दें, उसका इंटरनल सिस्टम चलना शुरू हो जाए उसके बाद आप उसको दें, उसको 2 गोलियां खुराक की दे के उसको बाहर छोड़े, करेगा जब देखे कि वो थोड़ा सा फिरने लग पड़ा, आप दाना डालें, खुराक ये जो बादाम शदाम से बनाते हैं, सादी खुराक, ठीक है ठीक है, उसको इस तरह के कबूतर को जोड़ के आता है, उसको काली मिर्चों वाली तो वो बड़ी इलाचियों वाली ये देने नहीं है, ठीक है, तो आगे तलख हुआ है, ऐसे ही ऐसे ठंडी चीजें देनी है उसको, तलख देंगे, ज्यादा भी ठंडा नहीं करना, तलख होगा वो कबूतर मर जाएगा। अच्छा, वो पाँव पे भी दूसरे दिन उड़ेगा भी नहीं तीसरे दिन, ठीक होगा, क्योंकि इतनी गर्मी में उसको तो संभालना है, उसको थोड़ा सा उसको जान पकड़े हुए, सही हो गया सही हो गया, और उसको करना है, और सबसे एक बड़ी चीज है इस तरह के कबूतर के लिए, आपने उसको चने नहीं खिलाने। अच्छा। चने ये जो होते हैं ना बाजारी जो भुने हुए जी जी, वो जो आप हम चने खाते हैं जी जी जी, उसका छिलका उतरा हो, ठीक है, उसका आटा बनाना आपने। अच्छा, आटा बना लिया, ठीक है, वो आटे की तरह बन जाएगा, उसमें थोड़ा सा दूध डाल के ना, ठीक है, तो उसको ना आटे की तरह ना उसका गोलियां सी बन जाएंगी, वो पेड़ा सा बन जाएगा, ठीक है, नहीं बनेगी गोलियां, ठीक है, आपने उसको ऐसे करके ना जैसे आप रोटी पकाते, रोटी बनाते, ठीक है, उसको थोड़ा सा ना सुरख माइल कर लेना, ठीक है, आप ऐसे ऐसे करेंगे वो छोटे छोटे से ना उसके जर्रे बन जाएंगे, ठीक है, वो इतने शौक से खाएगा कि जिसकी दावत है।
आप देखेंगे पूरा ठापे मार रहा है। जबरदस्त, ये मतलब उसको रात संभाल के बाद सुबह दे दें बेहतर है, ठीक हो गई है। भाई एक दो भाइयों ने मुझसे पूछा था, मेरे नॉलेज के मुताबिक कुछ चीजें मैंने इसी तरह बताई थी उनको, लेकिन बहरहाल आपसे बात करने के बाद कुछ चीजें यूनिक भी आता है। इसने क्या किया? चलें, बहुत शुक्रिया शाह जी, मेहरबानी सर आपकी।